गुड मॉर्निंग ये सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 सेल्फ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं के अवधारणा के बारे में। अवधारणा के अंतर्गत स्वयं के अवधारणा के विकास हेतु शिक्षक और विद्यालय की भूमिका के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्वयं की अवधारणा। विकास हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका। स्वयं की अवधारणा के अंतर्गत विद्यालय में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। व्यक्ति की स्वयं की पहचान, छात्रों की पहचान के अंतर्गत शिक्षक का एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वह अपने छात्रों का मार्गदर्शन कराए और उनकी पहचान है वह एक अलग से कराए। साथ ही विद्यालय में इस प्रकार का माहौल है वो बनाता है कि छात्र स्वयं की पहचान के लिए अपनी पहचान विकसित करने के लिए तत्पर प्रयासरत रहे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है विद्यालय का स्वतंत्र वातावरण। पहला पॉइंट क्या है? विद्यालय का वातावरण का स्वतंत्र, विद्यालय का स्वतंत्र वातावरण सब की पहचान के लिए, जो कि छात्र के सब की पहचान कराने के लिए जो विद्यालय का वातावरण है वो एक स्वतंत्रता से युक्त होना चाहिए, न कि छात्रों को किसी भी प्रकार से उन्हें बंधनों में बांधे रखा जाता है। रखा जाए ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए, बल्कि वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र अपनी रुचि पूर्ण एवं वास्तविक गतिविधियों को आसानी पूर्वक संपन्न कर सके। ऐसे वातावरण को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, तभी छात्र है वो अपनी रुचि को और योग्यता को प्रदर्शित कर पाएगा और अपने स्वयं की पहचान है वो कर पाएगा। यदि विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र रूप नहीं होगा तो बालक है वो अपने प्रदर्शन क्षमता और योग्यता को और अभिवृद्धि को प्रकट करने में अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब सब के पहचान के लिए विद्यालय का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? एक स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा है सृजनात्मक वातावरण। सब की पहचान के अंतर्गत विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक वातावरण होना चाहिए। सृजनात्मक वातावरण से तात्पर्य है कि कुछ न कुछ प्रकार से छात्र वो क्रियाशील रहे और कुछ न कुछ सृजन किसी निर्माण कार्य को करते रहे जिससे उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है वो विकसित हो सके और कुछ न कुछ जीवन में अच्छा कर सके। अगर सृजनात्मक वातावरण के द्वारा ही छात्रों के अंदर सबकी भावना का विकास होता है, विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि छात्र सृजनात्मक कार्य के अंतर जैसे संलग्न रहे, जैसे विभिन्न प्रकार के विद्यालय के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन करवाना जैसे चित्रकला है, संगीत कला है आदि के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक योग्यता बढ़ेगी। इस प्रकार से विद्यालय का वातावरण भी सृजनात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा है सकारात्मक सोच। सब की अवधारणा के विकास हेतु अध्यापक की सोच है वो कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। प्रत्येक छात्र के प्रति उसे सकारात्मक रवैया है वो अपनाना पड़ेगा, तभी वो सकारात्मक रवैये के द्वारा ही छात्रों के अंदर सकारात्मक सोच को वो उत्पन्न कर पाएगा। जिससे सकारात्मक सोच के माध्यम से छात्र है वो स्वयं अपनी प्रसिद्धि वो प्राप्त कर सकेंगे और स्वयं की पहचान है वो कर सकेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के द्वारा ही व्यक्ति सफल बनता है। यदि सकारात्मक सोच किसी भी व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी तो वो अपनी
सिद्धि है वो एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे छात्र के रूप में नहीं कर पाएगा। सकारात्मक सोच का सबकी अवधारणा में विशेष महत्व है और प्रत्येक अध्यापक को सकारात्मक सोच के साथ में आगे अपने छात्र बढ़ना चाहिए और अपने छात्रों को भी सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति ज्ञान देना होगा, तभी छात्र अपने स्वयं की पहचान है वो कर सकेंगे। कि नेक्स्ट है समानता का व्यवहार। समानता का व्यवहार एक अध्यापक को ये चाहिए कि अध्यापक के लिए कक्षा के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी बालक हैं, विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जितने भी बालक हैं, वो एक अध्यापक के लिए समान बालक होते हैं, चाहे वो बालक तीरो बुद्धि का हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि होना। तो प्रत्येक बालक को क्या है, अध्यापक के प्रति समान होना चाहिए। अध्यापक जब भी उन बालकों का मूल्यांकन करे तो उनकी योग्यता वो मूल्यांकन योग्यता और क्षमता के अनुरूप निष्पक्षतापूर्ण भाव से करना चाहिए और सभी के साथ में समानता का व्यवहार बनना अध्यापक का एक प्रमुख कर्तव्य बन जाता है। इसी कारण समानता के व्यवहार के कारण विद्यालय में छात्रों द्वारा सबकी पहचान है वो की जा सकती है और समानता के व्यवहार के द्वारा छात्र है वो अपने स्वयं की पहचान आसानी से कर सकते हैं। पर समानता का शिक्षक को प्रत्येक छात्र के प्रति समानता का व्यवहार करना अनिवार्य है, तभी छात्र को अपने सब की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप में वो प्रदान कर पाएंगे। ये दूसरा पांचवा है विद्यालय का शैक्षिक वातावरण। सब के अवधारणा के अंतर्गत विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का भी विशेष महत्व है। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के द्वारा ही छात्रों में सब की अवधारणा का विकास किया जा सकता है। इसके लिए सब की अवधारणा से आस अवधारणा के अंतर्गत विद्यालय के शैक्षिक वातावरण से आशय ये है जिसमें प्रभावी शिक्षण अधिवास प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित प्रक्रिया है और शिक्षक शिक्षक को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिसके द्वारा छात्र उस शिक्षण के माध्यम से अपने अंदर सब के अवधारणा का विकास है वो आसानी से कर सकते हैं और अपनी पहचान है वो अलग प्रकार से बना सकते हैं और विभिन्न विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके समाज में अपना नाम है वो रोशन कर सकते हैं। अतः सब के अवधारणा के अंतर्गत विद्यालय के द्वारा जो शैक्षिक माहौल तैयार किया जाता है उसका भी विशेष महत्व है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श की उपयोगी व्यवस्था। नेक्स्ट निर्देशन निर्देशन और परामर्श की उपयोगी निर्देशन और परामर्श की उपयोगी व्यवस्था। विद्यालय के अंतर्गत सबके अवधारणा में निर्देशन और परामर्श की उपयोगी व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। निर्देशन और परामर्श के माध्यम से हम किसी भी छात्र कोई भी छात्र है वो या गलती कर सकता है, गलती करता है तो शिक्षक उन्हें निर्देशन या सलाह या मशवरा या परामर्श देकर उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है। तो छात्र जो गलत रास्ते पर जा रहा है वह एक उचित रास्ते पर आ जाएगा। इस प्रकार से वह उचित रास्ते पर आने से वह स्वयं की पहचान है वो कर सकेगा और आगे जाकर वही छात्र जो गलत रास्ते पर जा रहा है वो छात्र एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। इस प्रकार से धारणा के अंतर्गत निर्देशन व परामर्श के रूप की व्यवस्था का भी विशेष महत्व है। नेक्स्ट है छात्रों की क्षमता व योग्यता का सम्मान। छात्रों की क्षमता व योग्यता का सम्मान करना। नेक्स्ट छात्रों की क्षमता व योग्यता का सम्मान करना, तभी सबकी अवधारणा का विकास होगा। छात्रों की क्षमता व योग्यता का व्यापक रूप से शिक्षक को
सम्मान करना चाहिए ताकि शिशु को ये लाइब्रेरी के छात्रों का उनकी योग्यता को उनकी क्षमताओं से परिचित करवाया जाए ताकि छात्र अपने स्वयं के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। फिर नेक्स्ट है विद्यालय का चिंता मुक्त वातावरण। विद्यालय का चिंता मुक्त सबकी धारणा के अंतर्गत जो विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए। छात्रों को किसी भी प्रकार का है वो विद्यालय के द्वारा प्रेशर है वो नहीं दिया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ विद्यालय द्वारा बोझ नहीं दिया जाए जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अंतर विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, चिंता से मुक्त होना चाहिए ताकि छात्र मूल्यांकन के द्वारा ताकि छात्र है वो अधिक से अधिक मात्रा में विद्यालय आ सके और उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में काफी रुचि उनके अंदर जागृत हो सके और वह एक अच्छे शिक्षित सभ्य नागरिक बन सके और अपनी स्वयं की अलग से पहचान बना सके। यदि हम विद्यालय के द्वारा को चिंता से मुक्त नहीं रखा जाएगा तो वह अपनी स्वयं की पहचान है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों की शिक्षा। सामाजिक मूल्यों की शिक्षा सबकी अवधारणा की पहचान के लिए आवश्यक है कि विद्यालय के अंदर बालकों को सामाजिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए क्योंकि विद्वानों का मानना है कि छात्रों में अंतःक्रिया तभी होगी और अपनी सबकी अवधारणा को सर्वोत्तम रूप में तभी दे पाएंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से सामाजिक मूल्य हैं और सामाजिक मूल्य के द्वारा ही वे अपने व्यवहार में और परिवर्तन है वो कर पाएंगे और अपने उपयोगिता है समाज में सिद्ध कर पाएंगे। अर्थात पाठ्यक्रम में विद्यालय के अंदर सामाजिक मूल्य विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक मूल्य को विशेष महत्व है वो देना चाहिए ताकि छात्र अपने अलग से एक विशिष्ट प्रकार की पहचान है वो समाज में ना पाए और सब की पहचान को विशिष्ट तरीके से समाज में अपनी अलग से पहचान बनाने में सफल हो सके। इस प्रकार से सबकी अवधारणा के विकास के अंतर्गत विद्यालय व शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका बनने लगी होती है वो जिसके द्वारा वो छात्र अपनी स्वयं की पहचान है वो बना सकते हैं। इस प्रकार से शिक्षक और विद्यालय छात्रों के स्वयं की पहचान को सिद्ध करने में अपना विशेष योगदान देते हैं। फिर नेक्स्ट है विद्यालय का रुचिपूर्ण वातावरण। नेक्स्ट है विद्यालय का रुचिपूर्ण वातावरण। सबकी अवधारणा के विकास के अंतर्गत जो विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार ही शिक्षक को चाहिए कि वे अपने रुचियों के अनुसार अपनी योग्यता को जान सके और अपनी रुचि के अनुसार ही वे अपनी सर्वोत्तम पहचान बनाने में भूमिका का निर्वहन कर सके। जैसे एक छात्र की रुचि है एक अच्छा नेतृत्व करने की रुचि है तो उस छात्र को अध्यापक के द्वारा छात्र का कक्षा का नेतृत्व करने का अवसर है वो प्रदान करना चाहिए। वही दूसरे तो एक वह अच्छा भविष्य में एक अच्छा नेता बन सकता है तो दूसरे जैसे दूसरे छात्र को एक अच्छा क्रिकेटर बनने की रुचि है तो छात्र उस छात्र को हमेशा के छात्र को विद्यालय के अंतर्गत खाली समय के अंतर्गत उसे क्रिकेट खेलने का अवसर प्रदान है वो करना चाहिए। तो छात्र है वो अपनी एक क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। अतः सबकी अवधारणा के अंतर्गत विशेष प्रकार से जो विद्यालय का वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, रुचि पूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित संप्रेषण। उचित सबकी अवधारणा के अंतर्गत सबकी अवधारणा के विकास के अंतर्गत उचित संप्रेषण का विशेष महत्व है। यदि उचित संप्रेषण के माध्यम से ही छात्र है वो
शिक्षकों के संपर्क में आकर सबके धारणा का विकास है वो कर सकते हैं। यदि उचित संप्रेषण नहीं होगा तो छात्र है अपनी मन स्थिति किसी ही के समक्ष स्वतंत्र रूप से प्रकट नहीं कर पाएगा। उचित संप्रेषण के द्वारा जो छात्र है वो अध्यापक के सामने अपने मन की बात है वो बता सकते हैं। इस प्रकार से वह अपनी इस बात को कहने से वे अपनी सबकी अवधारणा का विकास कर पाएंगे। उचित सबकी अवधारणा के विकास में उचित संप्रेषण का भी विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। उचित संप्रेषण के माध्यम से इस अध्यापक छात्र को उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करा पाए। इस प्रकार से सबके अवधारणा के अंतर्गत विद्यालय व शिक्षक व विद्यालय का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। आपने ध्यान रूप सुना इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।